वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ दम आलू, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम आलू लिए छोटे साइज के और उनको बॉइल कर लिया है। मसालों में लिया है आधा चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो लौंग, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, दो तीन काली मिर्च, एक पिंच हींग, नमक टेस्ट के अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 10-12 काजू लिए हैं। इनका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम आलूओं को इस तरह से कर लेंगे। इसमें अच्छे से मसाला घुस जाए। हमने सभी आलूओं को इस तरह से कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक और इनको हल्के से मिक्स कर लेंगे, ये मसाले आलूओं में अच्छे से कोट हो जाए। हमारे मसाले आलू में अच्छे से कोट हो चुके हैं, अब हम इनको साइड कर देते हैं। टमाटर, काजू, अदरक और दो हरी मिर्चें दी थी, इन सब का हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम एक सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। हमने आलूओं को फ्राई कर बाहर निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में एक पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो तीन काली मिर्च, दो लौंग और दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे और हल्का सा इसको सॉटे करेंगे। हमारे खड़े मसाले हल्के से सॉटे हो चुके हैं, अब हम इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब हम इसके बाद जो हमने काजू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट तैयार किया है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे 5-6 मिनट। हमारे मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और गरम मसाला पिसा और इनको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 100 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और कवर कर 5 मिनट दम पर पकाएंगे। हमारे आलू को दम पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं।
हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। हमने दम आलू को डिश आउट कर लिया है, ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। इसको चपाती पराठे के साथ सर्व करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।